हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दो बार यदि टैप करते हैं तो आपके फोन का जो भी भाषा है वह हिंदी में हो जाएगा, या किसी भी भाषा में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपके फोन में कोई मैसेज है और आपको इंग्लिश मैसेज पढ़ना नहीं आता है। मान लीजिए यह जो मैसेज है इंग्लिश में लिखा हुआ है और आप इस मैसेज को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस वक्त आप इस ट्रिक का यूज कर इस भाषा को हिंदी में कर पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ना है, तो देख सकते हैं कि यहां पर एक पॉपअप है। जैसे ही हम इस पॉपअप पे दो बार क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये जो भाषा है जो इंग्लिश में लिखी हुई है या जो भाषा है हिंदी में हो जाएगी। देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने दो बार टच किया तो ये जो भाषा है हिंदी में हो गया। यदि दोस्तों आप WhatsApp पर किसी के साथ में इंग्लिश में चैटिंग करते हैं और आपको उधर से भी रिप्लाई इंग्लिश में ही आ रहा है और आप उस वक्त मान लीजिए इंग्लिश वर्ड नहीं जानते हैं, तो आपको सिंपली यहां पर दो बार टैप करना है। जैसे ही दो बार टैप करेंगे तो ये जो भाषा है हिंदी में हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये जो ट्रिक है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि ये जो ट्रिक है अपने फोन में कैसे इनेबल करना है और कैसे डिसेबल करना है, ये दोनों तरीका आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ये ट्रिक कैसे अपने फोन में यूज करना है, तो इसके लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, पूरा सीखिए। तो फ्रेंड, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को यहां से लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबाकर ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए फ्रेंड, बताते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप किसी भी भाषा को इंग्लिश में या और किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है हायर ट्रांसलेट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आपको इसको इंस्टॉल कर ओपन करना है। जैसे फ्रेंड इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पे आपको टर्न ऑन एसिबिलिटी का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करने के लिए कहेगा, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और इसके परमिशन को आपको यहां से अलाउ करना है। तो मैं यहां पे इसके परमिशन को अलाउ कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों ओके कर देना है और यहां से दोस्तों बैक हो जाना है। जैसे फ्रेंड बैक हो जाएंगे तो यहां पर एक बटन है, इस बटन को सिर्फ आपको एक बार ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहां पर आपको लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश भाषा में, मान लीजिए अगर आपको कोई इंग्लिश में कोई मैसेज करता है और आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपका भाषा यहां हिंदी रहेगा और यहां इंग्लिश रहेगा। यदि मान लीजिए कि आप इंग्लिश से हिंदी समझना चाहते हैं तो यहां पर आपको हिंदी रखना होगा और यहां पर आपको इंग्लिश रखना होगा। यदि आपको उर्दू से हिंदी समझना है तो यहां पर दोस्तों है फ्रेंड, यहां पे आपको उर्दू रखना होगा, यहां पे दोस्तों आपको हिंदी रखना होगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि इंग्लिश भाषा को हिंदी में समझना चाहता हूं, तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश का वर्ड सेट है। जैसे ही सेट करेंगे तो यहां पर एक पॉपअप की तरह बना हुआ आ जाएगा। मैं यहां से कट कर देता हूं और मैं सीधा अपने व्हाट्सएप पे चले जाता हूं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद में मैं यहां पर आता हूं तो देख सकते हैं कि यहां पर मुझे इंग्लिश में किसी ने मान लीजिए लिखा हुआ है माय नेम इज विनोद कुमार और मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको इस तरीके से एरो को पकड़ कर लाऊंगा और यहां पर सिर्फ रख दूंगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हिंदी में आ गया है। इसी तरीके से यहां पर भी मान लीजिए इंग्लिश वर्ड है, तो यहां पर भी मैंने जैसे लिखा आई एम फाइन तो इसका हिंदी वर्ड हो गया मैं ठीक हूं। यदि दोस्तों आपको भर भर कर आपको व्हाट्सएप पर कोई इंग्लिश भेज रहा है और आपको नहीं पढ़ने आता है, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पर, चाहे आप गूगल लीजिए, आपके जीमेल पर या आपके मैसेज पर कितनी इतनी इंग्लिश आ रही है और आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आपको यहां पर ये जो आपको डंडी है, इस डंडी पर यानी दो बार पॉपअप पर आपको यहां पर दो बार इसके ऊपर में इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही दो बार क्लिक कर देंगे तो यह सारी भाषा हिंदी हो जाएगी। किसी भी भाषा में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यह बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। यदि आप मान लीजिए पूरी सेटिंग को भी हिंदी करना चाहते हैं तो यहां पर आपको सिर्फ दो बार इस तरीके से टैप कर दीजिए, देख सकते हैं कि पूरा आपका जो सेटिंग है हिंदी में हो गया है। तो फ्रेंड, हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कैसे कर पढ़ें। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।